नमस्कार, आपने एप्लीकेशन ट्रिगोनोमेट्री की एक्सरसाइज एनसीईआरटी से कर ली होगी, उसके एग्जाम्पल भी आपने कर लिए होंगे। मेरा आपको सजेशन है कि आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पर, और वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल से कर लें। अधिकतर आपका पेपर या तो एनसीईआरटी से आएगा या ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी एग्जाम्पल से आएगा। आप इन दोनों में कौन सी क्वेश्चन करने की ज़्यादा कोशिश करें। यहाँ पर मैंने आपको एक एप्लीकेशन ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन लिया है जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर एच मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विच आर इन लाइन विद द फुट ऑफ द टावर आर एल्फा एंड बीटा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। आप एक टावर पे खड़े हुए जिसकी हाइट एच है, एच मीटर हाइट का एक टावर है, वहां से दो ऑब्जेक्ट को देखा जाता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एल्फा बीटा बनता है। यहां पर बीटा जो है बड़ा नंबर है, बीटा बड़ा एंगल है और एल्फा छोटा एंगल है। तब आपको ये बताना है कि दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। मैं इस क्वेश्चन को बहुत डिफरेंट तरीके से बहुत अच्छी तरह सॉल्व करूंगा। आप पहले इस क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से और पढ़ लें और इसे कॉपी कर लें। आइए सर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत डिफरेंट तरीके से, बहुत ईजी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले इस क्वेश्चन का फिगर बना लेते हैं। अधिकतर टेंथ क्लास के स्टूडेंट को क्वेश्चनों के फिगर बनाने प्रॉब्लम आती है। हाइट एंड डिस्टेंस के एप्लीकेशन ट्रिगोनोमेट्री के जितने क्वेश्चन हैं मैं देखता हूं क्लास में कि टेंथ क्लास के बच्चे उनके फिगर बनाने प्रॉब्लम महसूस करते हैं। उसके लिए जरूरी है कि आप क्वेश्चन को अच्छी तरह समझें, ढंग से उसे पढ़ें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए फिगर बनाते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास, एक एच हाइट का टावर है। आप इस टावर पर खड़े हुए हैं, यहां पर यहां से आप दो ऑब्जेक्ट देखते हैं। ये दो ऑब्जेक्ट इस लाइन पर हैं, एक ऑब्जेक्ट यहां पर है और एक ऑब्जेक्ट यहां पर है। जब आप इसको यहां से देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये एंगल बनता है सब, और जब यहां से इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके पास ये बनता है, ठीक है सर। इसमें ये एंगल आपके पास बड़ा होगा और ये एंगल आपके पास क्या होगा, छोटा होगा। आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि एंगल जो बड़ा है वो बीटा है और छोटा एंगल क्या है, एल्फा है। तो आपके पास ये जो एंगल है, ये एंगल आपके पास बीटा दे रखा है और ये एंगल आपके पास कितना दे रखा है, एल्फा। आप जानते हो कि ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या होती है, हमेशा पैरेलल होती है। तो ये एंगल यदि एल्फा है तो ये एंगल भी कितना होगा, एल्फा होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। ये लाइन इसकी क्या है, पैरेलल है, तो ये एंगल हमेशा इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, और इसके इक्वल क्या होगा, ये एंगल होगा बीटा, ये एंगल क्या होगा, एल्फा। इसकी हाइट आपको क्या दे रखी है, एच गिवन है यहां से यहां तक। तब आपको बताना है कि दो ऑब्जेक्ट जो ए और बी हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये एक्स फाइंड आउट करना है साहब आपको, ठीक है। और आप मान लें कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, मान लेता हूं ये सी पॉइंट है और ये डी मान लेते हैं, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको आप बाई मान लीजिए, ठीक है। तब आपको x की वैल्यू बतानी है, किसके टर्म में आएगी आंसर, आंसर आएगा h के टर्म में, बीटा और एल्फा के टर्म में। क्वेश्चन ऐसा भी आपके आ सकता है कि आपको एल्फा और बीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू दे दे। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब है आपको बीटा दे दे 45 डिग्री, एल्फा दे दे 30 डिग्री, h दे दे 10 मीटर, तब पूछे बताओ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, लेकिन वो क्वेश्चन भी जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं इसी तरह से सॉल्व होगा। यहां पर एल्फा बीटा और h कुछ भी हो सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप पहले लिख लें कि आपको क्या गिवन है, सॉल्यूशन आपको गिवन है। यहां पर एक पॉइंट दे दीजिए M, आपको गिवन है कि एंगल एम डी ए, एम डी ए, एम डी ए, ये जो एंगल है ये एंगल कितना दे रखा है आपको, एल्फा दे रखा है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ध्यान रखें, और ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये एंगल होगा डी ए सी के, एंगल डी ए सी के बराबर होगा,
बस में आ गई होगी। और आपको क्या कि मैंने कि एंगल एम बी सॉरी एम डी बी एम डी बी ये एंगल कितना दे रखा है आपको, ये बीटा दे रखा है और ये एंगल किसके बराबर होगा, ये एंगल होगा डी बी सी के बराबर। और साथ में आपको ये भी दे रखा है कि डी सी साहब कितना दे रखा है आपका, एच दे रखा है। ये तीनों चीज आपको गिवन है। आप लेफ्ट ए बी को एक्स मान लें और साथ में बी सी को क्या मान लें आप, वाई मान लें। स्टूडेंट्स आपके टेंथ लेवल में जितने भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन हैं उनमें दो राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे, ठीक है। उन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हेल्प से आप रिलेशन क्रिएट करेंगे और उस रिलेशन की हेल्प से आप जो कुछ भी फाइंड आउट करना चाहते हो उसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। आपके पास यहाँ दो राइट एंगल ट्राइंगल कौन से हैं, यहाँ पे पास एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी। आप बी सी डी में आपको ये बीटा है, ये वाई और क्या है एच है, ये कितना है एंगल 90 डिग्री है। यहाँ पर वाई और एच और बीटा में रिलेशन बनाया जा सकता है। हमें यहाँ से वाई फाइंड आउट नहीं करना है, हमें एच फाइंड आउट करना है, तो पहले हम वाई फाइंड आउट कर लें इन टर्म ऑफ एच। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि वाई अपॉन एच क्या हुआ, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि बी सी अपॉन डी सी क्या हुआ। देखिए ये आप एंगल ये ले रहे हो तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा या हाइपोटेनस होगा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, यस बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 और बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट, क्या लिखेंगे कॉट, और कॉट के लिए एंगल क्या लिखेंगे आप यहां पर बीटा, ठीक है सर। बी सी कितना है आपका, बी सी है बाई बाई अपॉन एच इक्वल टू कितना लिखेंगे कॉट बीटा। आप यहां से बाई की वैल्यू निकाल सकते हो ना, तो क्या हो जाएगा एच कॉट बीटा। आपने यहां से बाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इस बाई की वैल्यू का यूज हम दूसरे ट्राइंगल में करेंगे। अब दूसरे ट्राइंगल ले लीजिए, इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी आप इसमें लिख सकते हो ए सी अपॉन ए सी, ध्यान रखें ए सी अपॉन डी सी क्या होगा, ए सी अपॉन डी सी, ये एंगल ले रहे हो इसके सामने क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, तो बेस ए सी क्या है बेस है, ये परपेंडिकुलर है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है कॉट, तो क्या लिखेंगे यहां पर कॉट अल्फा। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा डी सी कॉट अल्फा, और ए सी को आपने क्या लिखा है, ए सी को आपने लिखा है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, डी सी कितना है एच कॉट अल्फा, या आपके पास दूसरा रिलेशन आ गया सब। इन दोनों रिलेशनों की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो इन टर्म ऑफ एच अल्फा और बीटा। तो लिखिए फ्रॉम वन, इसे वन कहते हैं, इसे सेकंड कह दीजिए, फ्रॉम वन वाई इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू है एच कॉट बीटा। इस वैल्यू को h को आप कहां पुट कर दो, सॉरी इस y की वैल्यू कहां पुट कर दो, इस y की वैल्यू को आप यहां पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा x प्लस एच कॉट बीटा बराबर h कॉट अल्फा, ठीक है। आप इसको इधर ले आइए तो x इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा h कॉट एल्फा माइनस एच कॉट बीटा, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा एच कॉमन ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा कॉट एल्फा माइनस कॉट बीटा। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी स्टूडेंट कितनी होगी, एच कॉट एल्फा माइनस कॉट बीटा। बड़ा सिंपल तरीके से मैंने आप क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ज्यादा लंबा खींचना चाहें तो खींच सकते हैं, वो कैसे खींचेगा कि आपने मैंने जो रिलेशन यहाँ पर बी सी अपॉन डी सी लिखा है, आप इसे डी सी अपॉन बी सी लिखेंगे तो 10 के टर्म में आएगा, इसको आप 10 के टर्म में लिखेंगे तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, वो भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बड़े सिंपल तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व दे दिया है। इस सॉल्यूशन को आप अच्छे तरह से देख लें और इसकी प्रैक्टिस करें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यदि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो अपने फ्रेंड को भी समझाएं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड को भी शेयर करें। करोगे नहीं करोगे,
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।